चैनल सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो, और दर्शक जमा बुलक्कड़ हो रहे हैं, सब्सक्राइब करना ही भूलते हैं। आप देख रहे हैं हरियाणा चिता न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त पुराना अशोक गुराना फ्रॉम हरियाणा। प्रिय दर्शकों, आज बुरवाड़ा में श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आए हुए हैं और यह प्रोग्राम दरिची महर्षि दरिची परमार ट्रस्ट द्वारा किया गया है और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर हर्षमोहन भारद्वाज कर रहे हैं। तो अभी अभी डॉक्टर हर्षमोहन भारद्वाज ने अपने पूरे टीम के साथ श्री देवेंद्र सिंह हुड्डा जी का स्वागत किया है और आप देख सकते हैं पीछे प्रोग्राम चल रहा है। उसके बाद क्या होगा, किस तरह से उनका स्वागत किया जाएगा, ये हम आपको पॉइंट टू पॉइंट अपडेट करते रहेंगे। और इसके पीछे क्या राजनीतिक उद्देश्य है और बड़ौदा चुनाव कैसे जुड़ा हुआ है और डॉक्टर हर्षमोहन भारद्वाज क्या बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाना चाहते हैं, ये भी सामने आएगा। आए चलते हैं, हम आपको ये प्रोग्राम दिखाते हैं। इस कार्यक्रम में मेरे भाई भोगी संघर्षी और सम्मानित बागड़ी हल्के से विधायक, और जिन्होंने सही कहा अभी अपनी बात रख रहे थे, साधारण हल्के से विधायक नहीं है ये, उस हल्के से विधायक हैं जहाँ हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी सरकार में जो मंत्री रहे 5 साल, उन्होंने कैसी कार्यशैली करी होगी, रही होगी, उनकी अंदाजा लगा सकते हैं। उनको हजारों वोटों से जिन्होंने वहाँ से वहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया और जब यहाँ ही जीत के आए तो हजारों वोटों से वहाँ से उन लोगों ने उनका जो घमंड तोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने, उसके बाद उनको कोई और अध्यक्ष नहीं मिले तो उनको अध्यक्ष बनाने का काम किया। ऐसे हल्के से हैं, बहुत महत्वपूर्ण हल्के से हैं, वहाँ भी अहंकार और घमंड पे चुनाव हुआ था। हमारे बहुत ही आदरणीय डॉक्टर हर्षमोहन भारद्वाज जी, जिनसे जब से मेरी बात हुई, मेरा परिचय हुआ, मुझे जिनके स्वभाव से और जो एक साफ मन से जो अपनी भावना इनकी रहती है, साफ मन से जो इनके विचार जो मैंने सुने, वैसे मैं बहुत डॉक्टर साहब से उम्र में भी छोटा हूँ, तजुर्बे में भी छोटा हूँ, जीवन के तजुर्बे में बहुत कुछ सीखना बाकी है, मगर मैं भी बहुत लोगों से राजनीति में, मेरा भी तजुर्बा राजनीति में हुआ है, बहुत लोगों से मिलने का अवसर मिलता है राजनीति में। पिछले 16 साल से, पहले 15 साल लोकसभा में रहा, राज्यसभा में हूँ जैसा आप जानते हो, तो बहुत लोगों से मिलने का मौका मिलता है, सरकार भी देखी है, विपक्ष भी देखी है, हरियाणा में सारी चीज़ देखी हैं, मगर मैंने जिस साफ मन से और जिस भावना से और जिस उच्च विचारों से मैंने डॉक्टर साहब को पाया, मैंने समझता हूँ कि वो उस तरह का मैंने आज तक मैं कोई और व्यक्तित्व ऐसा मैंने नहीं देखा। तो मैं डॉक्टर साहब का जो आज आशीर्वाद मिला और यहाँ पे आने का ही आशीर्वाद है, और उसके बाद जो डॉक्टर साहब ने सारी बात कही है, मैं उसके लिए मुझे नहीं पता कि मैं उतना उसका काबिल मैं हूँ कि नहीं हूँ डॉक्टर साहब, मगर आपने जो आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद को, उस विश्वास को मैं बनाए रखूँगा, उस विश्वास पे, तो विश्वास को कभी मैं छूटने नहीं दूँगा। बहुत से हमारे और भी वरिष्ठ साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा जी, हमारे पूर्व CPS, हमारे पूर्व मंत्री सुभाष गोयल जी, हमारे हासी से हमारे सुमन शर्मा जी, हासी से चेयरमैन रहे नगर पालिका के, ओम प्रकाश पंगाल जी हमारे उम्मीदवार थे, धर्मवीर सिंह गोयल जी, हमारे भाई उमेश लोहान जी, सुरेश घोड़ेला जी, रामनिवास घोड़ेला जी के सपुत्र हैं, जस्सी पेटवाड़ जी,
कृष्ण जी, सत्येंद्र सारण जी, छत्रपाल सोनी जी, तेजवीर दुनिया जी, विजेंद्र हुड्डा जी, हमारे बहुत सारे संघर्ष के हमारे साथी हैं, डॉक्टर साधुराम जी, सागरमल वर्मा जी, विजेंद्र अंगाल जी, ये नाम जो लिख के आए हैं हमारे बहुत से साथी हैं, जिस तरह नज़र आ रही है मैं लगभग सबको बहुत से बहुत और साथियों को जानता हूँ, सारे पुराने साथी हैं। तो मैं जैसे नरेश की नज़र जा रही है, अब नरेश देखे जा रहा है कि भाई अपने नाम लेंगे, हाँ तो अपना हमारे नरेश शर्मा जी और हमारे जैसे सारे खड़े हैं, सारे अपने साथी हैं। तो इजाज़त लेंगे कि समय बहुत हो गया, रस्ते में बारी बार जो है अपना महम बॉर्डर से आसिक में आने से पुरान साथी मातृशक्ति, सबसे पहले मैं महर्षि दधीचि ट्रस्ट को अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो मेरे को तो जितनी जानकारी मिली, मगर आज सुबह जब मैं चल रहा था तो ब्रेकफास्ट के नाश्ते के टाइम मम्मी बता रही थी, मेरी माता जी बता रही थी, उन्होंने सारा और भी ज़्यादा पता किया होगा। तो ट्रस्ट के जो काम हैं आपके, तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थी मम्मी, तो अपना तो उन्होंने सारे बारे में बताया कि आप लोग इतना अच्छा सोशल वर्क, चाहे वो प्रोत्साहन की बात हो, स्टूडेंट्स को प्रोत्साहन की बात हो, जो कंपटीशन में बच्चे निकलते हैं उनके प्रोत्साहन की बात हो, बहुत सी तो उन्होंने कई बातें मेरे को बताई। मैं इतना इस बात के लिए आपको बधाई देता हूँ, ट्रस्ट के एक एक व्यक्ति को बधाई देता हूँ कि भाई आप लोग इतना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। और जैसे कि आपने बताया और कि आपने जैसे ये बात बताई कि भाई एक परिवार है और मेरी मम्मी के का गोत्र भी दैया है, जो आपने बताई, तो शायद वो इसीलिए उनका लगाव ज़्यादा है, ज़्यादा होगा। तो एक भाई हम एक परिवार है, सारे बच्चे हैं, मासी दीदी के बच्चे हैं हम भी। ये मेरे को जानकारी डॉक्टर साहब से ही मिली मुझे पहले, इसकी मेरे को जानकारी नहीं थी, मगर तो शायद अपने विचार इतने अच्छे मिले हैं डॉक्टर साहब, उसका कारण शायद कहीं ना कहीं वो भी होगा। तो उस लिहाज से मुझे आज ट्रस्ट के इस कार्यक्रम में आने की बड़ी खुशी हुई, और जो आप सोशल वर्क कर रहे हैं, जो ये सामाजिक कार्य कर रहे हैं, इसको बढ़ाने में जहाँ भी मेरी आवश्यकता हो, जिस भी प्रकार से मैं उसमें सहायक साबित हो सकता हूँ, जो जिम्मेदारी मेरी लगेगी मैं उसमें कभी पीछे नहीं हटूंगा। तो सबसे पहले तो मैं ट्रस्ट के सभी जो लोग जुड़े हुए हैं उनको अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज ये सामाजिक कार्यक्रम, मगर इसके कई मायने हैं। आज जो बहुत मैं लंबी राजनीतिक बात नहीं कहना चाहता, मगर जिस मोड़ पे हरियाणा खड़ा है, जो हम देख रहे हैं हरियाणा की राजनीति जिस प्रकार से पिछले कुछ समय में जिस दिशा में हरियाणा की राजनीति गई है, उसको लेकर एक नौजवान के नाते मेरे चिंता होती, आपको भी चिंता होती। आज हम सरकार के घमंड को और इनकी कार्यशैली को पाते हैं जब देखते हैं कि किसान जो अपनी बात, जिनसे MSP छीनने के लिए सरकार कानून लाए और वो अपनी बात रखने के लिए आ गया है, तो उन पर लाठीचार्ज है। लाठीचार्ज तो अन्याय है, मगर उससे भी बड़ा अन्याय तब है जब मुख्यमंत्री जी कहें घमंड में कि भाई उसकी इंक्वायरी की बात करें तो कहना इंक्वायरी तो मैंने यहीं बैठे बैठे बंद कर दी। ऐसा घमंड नहीं होना चाहिए। घमंड वो है जो किसान के साथ हो रहा है अत्याचार, घमंड वो है जब हरियाणा जो दिल्ली के साथ सटा हुआ प्रदेश है, जो हरियाणा बहुत आगे पहुंचना चाहिए था, जिस हरियाणा की तरफ पूरा देश देखता था कि भाई हरियाणा के अंदर विकास का की परिभाषा तय हो, आज वो हरियाणा बेरोजगारी के दर में, बेरोजगारी के मामले में जो सारे प्रदेशों की बेरोजगारी की दर भारत सरकार जब प्रकाशित करती है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार से भी ऊपर जो हरियाणा का नंबर आता है, पिछले लगभग एक साल से हरियाणा नंबर एक पे बना हुआ, बीच में एक महीने में त्रिपुरा आया था, नहीं तो नंबर एक हरियाणा बना हुआ, तो वो हम देखते हैं तो वो अन्याय दिखाई देता है। और इसीलिए मैं एक बात बहुत लंबी राजनीतिक नहीं कहना चाहता, घमंड वो है, अन्याय वो है जब ये बात कही जाए। मैं तो उस बात को रिपीट भी नहीं कर सकता जो डॉक्टर साहब को कही गई, वो शब्द ही नहीं निकल सकते
मुंह से, मगर जो बात कही गई चाहे वो गुस्से में कही किस, मैं समझता हूँ कि शायद जो है घमंड में कही, अहंकार में कही। हम भी देखो इन सभी इंसान हैं, मगर हम खुद सोचते हैं जब ये बात हुई, जब वो वीडियो आया तब मैंने ये सोचा ये तो चलो एक राजनीतिक मंच था, मगर बचपन से लेकर अब तक शायद मैंने कभी किसी दूसरे को ये भी नहीं कही। वो तो गर्दन तक की तो बात की बात है, मैंने तो शायद कभी किसी को ये भी नहीं कही, शायद आपने भी नहीं कही होगी कि भाई मैं तेरे आंगली ला दूंगा। क्यों भाई, इसका सबका, और वो इतना बड़ा मान सम्मान किया जा रहा था मुख्यमंत्री जी का उस समय, इतना बड़ा मान सम्मान किया जा रहा था उस समय, ऐसा कहना, मैं एक बात कह सकता हूँ डॉक्टर साहब, वो जो उस दिन जो घटित हुआ ये बहुत बड़ा कारण था। जो उस दिन घटित हुआ उसने केवल ब्राह्मण समाज नहीं, मगर सभी जो भी इंसानियत में लोग विश्वास रखते हैं उनकी भावनाओं को उस दिन ठेस पहुंची, और वो एक बहुत बड़ा कारण था। जो पार्टी एक महीने पहले हरियाणा में लगभग 90 में से लगभग 80 सीटों पर जिनकी लीड आई हो, और जो 75 पार के नारे पे चुनाव लड़ रहे हो, वो 80 और 75 से जो 40 पे आके सिमट गई, वो बहुत बड़ा कारण, वो जो घटित हुआ उस दिन वो कारण था। लोगों ने एक घमंड का जो रूप देखा, और मैं एक बात आपको इस बात के लिए भी, मैं डॉक्टर साहब की जो बात कह रहा था, मैं इस बात के लिए, मैंने पहले व्यक्ति डॉक्टर साहब को ऐसा पाया, इन्होंने एक फैसला किया कि मैं एक साल तक बोलूंगा नहीं। राजनीति में मैंने भी बड़े बड़े देखे हैं, मैंने भी बड़े बड़े देखे हैं राजनीति के अंदर डॉक्टर साहब, बड़े बड़े चुनाव होते हैं, तो नगर पालिका का होता है उसमें मतदान होते हैं, और लोकसभा के अंदर मतदान होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव तक, नगर पालिका के चेयरमैन से लेकर राष्ट्रपति के चुनाव तक अलग अलग चुनाव देखे हैं। जो आदमी एक मिनट पहले क्या कहे वो एक मिनट बाद क्या करे उसका भरोसा नहीं, मगर आपने एक साल तक जो आपने बात की उस पर आप टिके रहे, ये तो साधारण बात नहीं। आपने एक बात की मैं चुप रहूंगा, आप एक साल तक टिके रहे डॉक्टर साहब, एक साल तक कौन टिकता है अपनी बात पे, और इसमें टिक के आपको कोई वो नहीं था। मैं तो दो चुनाव भी देखा है, मैं तो उस समय भी समझ गया था राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था पिछला, जब उसमें उस समय तो ये दूसरी पार्टी थी इन्हें लोग, मगर वहाँ पे विधायक, वहाँ पे सांसद थे लोकसभा में, हिसार से ही हमारे दुष्यंत भाई है वो मुख्यमंत्री हैं, वो बोल तो खिलाफ रहे थे बीजेपी के, मगर अंदर जाके राष्ट्रपति की बीजेपी की बटन दबा रहे थे। मैं समझ गया था कि उसमें कुछ बात है, आगे जाके बात बनेगी इनकी, जो दादा गौतम कह रहे थे ना वही बात थी, वही बात, तो वो भी मैंने देखा है। तो कोई लोग टिके नहीं रहते, लोग जमुना पार की पार बात करते हैं और फिर 75 पार में मिल जाते हैं, लोग टिके नहीं रहते, मगर आपने अपने बात पे अपनी आप ये जो कहा उस पे आप टिके रहे, इतना आपने धैर्य दिखाया, मैं उस बात के लिए आपका बहुत मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। आपने जो ये इतना बड़ा आशीर्वाद दिया, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, आपने एक बात कही कि आशीर्वाद देने के साथ साथ कि राजनीतिक दल में, तो आपने कहा कि आप सामाजिक कार्यक्रम है, मगर जो कार्य जो जिम्मेदारी लगेगी मान सम्मान के साथ, कोई विनम्रता से कोई आपके से कोई रिक्वेस्ट करेगा और मान सम्मान के साथ जो आपकी जिम्मेदारी लगेगी, तो वो जिम्मेदारी को आप निभाने में कि आप आगे आओगे। मैं आपसे विनम्रता से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी तरफ से, पूरी विनम्रता से डॉक्टर साहब, कि भाई आप आगे आओ, हरियाणा में बदलाव की ज़रूरत है, उस बदलाव में मेरे को आपके साथ की ज़रूरत है, हरियाणा के उस बदलाव में आप आगे आओ डॉक्टर साहब, और आपके आशीर्वाद से डॉक्टर साहब, आशीर्वाद
सारे वर्कर दे आशीर्वाद और साथ हो, आशीर्वाद तो दे दिया हमने साथ पार्टी के करो मैं तुरंत ऐसे है। जब मैंने अपना बच्चा मान लिया, अपने परिवार का सदस्य मान लिया और उसके मंगल की कामना कर दी, तो जो वो कहेगा वैसा उसका सहयोग करूंगा, तभी तो होगा जी। सामने तो होगा सामने ला भाई, डॉक्टर गल्ला बड़ौदा के चुनाव में सारे तमाम जहां ये है वहां हम हैं। एमपी साहब जहां जहां दीपेंद्र है वहां हम हैं। हाथ पकड़ लो डॉक्टर, दीपेंद्र है वहां हम हैं भाई। ठीक है जी, ये सामने ला कांग्रेस में बुढ़ा साहब के परिवार में आज डॉक्टर साहब आप शामिल हो और आपका पूरा मान सम्मान और कभी भी आपके सम्मान में कभी नहीं आएगी। ये दीपेंद्र जी के अध्यक्षता में आज आप सम्मिलित हुए हो, इस परिवार के एक अग्रिम सदस्य के अंदर आप इस परिवार में रहोगे। धन्यवाद, मैं तो पहले भी कह रहा था भाई आप बन के मैं बढ़ गया था, मेरे परिवार का सदस्य, मुझे कोई ज्यादा कुछ चीज की लालसा भी नहीं होती है। और जहाँ तक आपने कहा था एक साल का 90 में से 75 पार हो गई थी, 15 बच गई थी, पर मैंने जबान कर रखी थी जगह जगह घूम गया कहता भाई 75 पार करवाओगे, 75 पार के लिए मेरे से सहयोग उन्होंने मांगा नहीं, मैं मेरे घर बैठ गया, अपने आप 40 आई है। मैं खुल के आ जाता जैसा आप कह रहे हो 90 में से 75 पार हो गई थी, मेरा सही था 15 बचती। मैं मेरे सिर ये कलंक नहीं लेना चाहता था कि भाजपा की सरकार मैंने खत्म की, मैंने 45 साल जहाँ पर तपस्या की, चेयरमैन की उम्मीद आ गया, ये फलाना है, पता नहीं क्या क्या गालियां मुझे को सुननी पड़ी है, पद का भूखा इसने नहीं बोला, इसने ऊपर ही जाकर के गंडा सा बजा लेना चाहिए, ऊपर मैं गंडा सा बजा लू क्या बनता वहां पर हजारों लोगों का। और चंद्रमा जी के दर्शन करने आए हुए थे, मेरे बुलाने से आए हुए थे लोग, बताइए मेरे बुलाने से आए थे। मैं आगे ये कहता भी ऐसा हो गया क्या बनता जी वहाँ, आप तो राजनीतिक आदमी हो सरकार में रहे हो, अब डॉक्टर मेरे आदमी मरते नुकसान किसका होता मेरा। उसके बाद भी मैंने समाज के लोगों ने मेरे को कहा खुद आ जा, आप लोगों ने भी मैसेज भेजा, आपने भी मैसेज भेजा, आपके लोग मेरे को यहाँ स्कूल तक लेने के लिए आ लिए थे, परंतु मैं मेरे जबान पर था कि मैं उस जबान को पलटूंगा नहीं। दूसरी बात और थी, समाज के लोग ब्राह्मण समाज के लोग याद रमशाला में कटिया कर लगे बरवाड़ा में यूं कर देर यूं कर देर बोला पंजाबियों के खिलाफ जातिगत मामला, हम बड़े दुखी रहे पहले कितना वातावरण खराब हो गया, परंतु मैं जातिवाद को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति नहीं, यदि मैं उस समय साथ रह जाता समाज के नौजवान तो उबड़े पड़े थे, आपस में दंगे हो जाते जातिगत, चुनाव का समय था, एक ही रास्ता था जनता फैसला कर ले वोटों का समय, इस आंदोलन का समय थोड़ी, इसलिए मैं चुप रहा, लोगों की ताने सहे सब बातें सहे और धक्के से बिना बुलाए बिना पीड़े चावल देने चले गए सब अगले दफा आपके सामने पीड़े चावल दिए। हाँ आप हैं वहाँ, मैं आपको आश्वस्त करता हूँ आपने मेरे में विश्वास प्रकट किया है, मैं आपके कल्याण के लिए आशीर्वाद दे चुका परंतु उसके लिए कर्म भी करूंगा, चाहे मेरे को सारा जीवन खपाना पड़े इसके लिए। कल वो मुखट वाली बात और बता दो सीएम साहब वाली, क्या वो मुखट लेके गया दिखावा, मुखट लेके आप वाला ले देना चाह रहे, मुखट तो लेके मुखट मुझे नहीं चाहिए और मुखट लेकर चले गए, वो तो सबके सामने ही है, मैं क्या कहूंगा। नहीं वो छोड़ो, इस बात को हम किसी का काट नहीं करना चाहते, हम अपना भाई दीपेंद्र। हां बस आपका डॉक्टर साहब अंकल के गया था, अंकल भी हो डॉक्टर साहब, तो आपसे मेरी ये है कि भाई बड़ौदा चुनाव है भाई और आगे की लड़ाई है, हरियाणा परिवर्तन की लड़ाई है, आप मेरे को संभालो और मैं आपको बिल्कुल। और दूसरी बात जिंदाबाद, मैं ये भी कहूँगा कि जहाँ तक ब्राह्मण समाज की बात है तो कुलदीप ने तो बात कही, कुलदीप वगैरह तो जानते हैं इस बात को हमेशा, कुलदीप इसलिए जानता है क्योंकि रोहतक लोकसभा से हमें हल्का बात भी आता है, चाहे हुड्डा साहब की बात हो चाहे मेरे दादाजी की बात नहीं हो चाहे मेरी बात हो, शायद सबसे ज्यादा मेरी हो दादाजी के टाइम हो या हो, सबसे ज्यादा अगर मुझे आशीर्वाद
सबसे ज्यादा मुझे अगर आशीर्वाद हमेशा रहा है, तीन बार जो मैं लोकसभा में पहुंचा हूं और चौथी बार भी आपको पता है पहुंचते पहुंचते पूरे देश में सबसे ज्यादा मुकाबला मैंने ही किया था, आपने देखा था, थोड़ी बहुत कसर रहेगी। वो भी मैं रोके आया था मेरी गलती, वो मैं रोके आया था मेरी गलती। तो डॉक्टर साहब से पहले परिचय हो जाता तो नहीं रुकते। तो जो है मगर लोगों ने बड़ा आशीर्वाद दिया, पूरे उत्तर भारत में 250 सीटों में सबसे ज्यादा वोट आई, थोड़ी सी कसर रहेगी। मगर जो मुझे आशीर्वाद मिला हमेशा, सबसे ज्यादा आशीर्वाद अगर मुझे हमेशा मिला है तो ब्राह्मण समाज का आशीर्वाद मिला है। मेरे चुनाव में तो भाजपा ने इस बात को देखते हुए कि भाई ये हमेशा इनको 80-90% वोट मिलती हैं, थोड़ी जो है जातीय समीकरण के तहत जो उम्मीदवार उतारे, मगर उसके बावजूद कुलदीप इस बात का गवाह है, जो ब्राह्मण गांव है, एक गांव सब में बादली में सारे इनके हल्के के ब्राह्मण गांव का आप रिकॉर्ड निकाल के पूछ लो, जीत के निकाल। हो सकता है कि मैं कहीं और तो पीछे रहा हूँ और ब्राह्मण गांव में, उसके बावजूद मेरे को आशीर्वाद इस सभा में भी वहाँ से मैं जीत के आया हूँ गाँव से। तो कहीं ना कहीं तो मैं उस विश्वास को कभी जो है उस विश्वास को बनाए रखता हूँ, और पहले भी और आगे भी मैं ये कह सकता हूँ कि समाज का कभी भी कोई आदेश समाज का टलेगा नहीं, ना पहले टला ना आगे हुआ, और कभी मान सम्मान में कोई कभी जो है ना सोच सकता मैं ना हो सकती। और तो मैं ये बात जरूर कहूँगा, दूसरी बात आपने जो एक मुकुट एक आशीर्वाद के रूप में मुकुट दिया है, डॉक्टर साहब जैसे आप कहोगे वो आपकी सलाह के अनुसार हम चलेंगे, क्योंकि मेरी एक नियम है मैं मुकुट कहीं जो है लेता नहीं हूँ। तो भाई जो है या तो ट्रस्ट में ही या किसी गौशाला में, मैं भी गऊ भक्त हूँ, तो क्या तो किसी गौशाला में, और आप कहोगे तो जैसा भी आपका निर्णय होगा ट्रस्ट का, जैसे निर्णय होगा जो कार्यक्रम का आयोजन किया, मैं बहुत बहुत सभी डॉक्टर साहब को, डॉक्टर भारद्वाज को, ट्रस्ट के सभी सदस्यों को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जो आज का कार्यक्रम भी आयोजित किया और जो इतना अच्छा सामाजिक कार्यक्रम सोशल वर्क कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने जो आज आशीर्वाद दिया और जो साथ आए, मैं समझता हूँ कि इसका प्रभाव आने वाले दिनों में ना सिर्फ बड़ौदा में, पूरे हरियाणा की राजनीतिक पृष्ठभूमि में इसका प्रभाव पड़ेगा। डॉक्टर साहब का जो एक संघर्ष रहा है और जिस प्रकार का व्यक्तित्व डॉक्टर साहब में है, उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डॉक्टर साहब ने जब ये बात कही कि एक साल तक मैं धैर्य रखूँगा, जबकि इतना बड़ा तिरस्कार हुआ था डॉक्टर साहब का, नहीं छत्तीस बिरादरी का अपमान हुआ था, छत्तीस बिरादरी का तिरस्कार हुआ था, जब एक घमंड में मुख्यमंत्री जी ने, घमंड में लेस मुख्यमंत्री जी ने जो जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया था वो स्वीकार्य नहीं थी, मगर उसके बावजूद उस कड़वी घूंट को भी पिया आपस में छत्तीस बिरादरी का स्वादर बनाने के लिए, और उसके बाद धैर्य रखा डॉक्टर साहब ने एक साल तक। मगर उस अब डॉक्टर साहब ने एक निर्णय लिया और हमें आशीर्वाद दिया, हम मिलकर चलेंगे हरियाणा में परिवर्तन के लिए, आपस में जो है मिलकर परिवर्तन के लिए आगे बढ़ेंगे। बड़ौदा चुनाव में क्या मानते हैं? बड़ौदा चुनाव में निश्चित तौर से ना सिर्फ जीतेंगी कांग्रेस पार्टी, जो हमारे उम्मीदवार हैं इंदुराज नरवाल, ना सिर्फ जीतेंगे बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे बड़ौदा चुनाव जिस दिन गिनती आएगी उसी दिन, जिस दिन उस चुनाव की गिनती आएगी उसी दिन खट्टर सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस चुनाव का की तरफ पूरा प्रदेश देख रहा है, प्रदेश का हर वर्ग इस सरकार से आज दुखी है। इस सरकार के लंबे कार्यकाल के बाद आज किसान सड़कों पर है, उसकी दुर्दशा है, आज नौजवान देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर झेल रहा है, क्योंकि कोई योजनाबद्ध तरीके से विकास की कोई कल्पना करी नहीं गई मुख्यमंत्री जी मौजूदा सरकार है इन द्वारा। आज गरीब, आर्थिक मंदी की सबसे बड़ी चोट आज गरीब पर है, सारी कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी गई हैं, छोटा व्यापारी आर्थिक मंदी से त्रस्त है, कर्मचारी सड़कों पर है। तो हर प्रदेश का वर्ग इस सरकार की कार्यशैली से आज परेशान है, और निर्णायक साबित
बड़ौदा चुनाव का नतीजा रहेगा। वहाँ इस सरकार की घमंड एक तरफ है और बड़ौदा की जनता एक तरफ। मुझे विश्वास है बड़े बहुमत से हम जीतेंगे बड़ौदा। दीपेंद्र जी अगर हम सिर्फ अभी बरवाड़ा की बात करें तो जिस टाइम ये सुबह हमारा ये मंच शुरू हुआ था ये एक पारिवारिक मंच था, पारिवारिक मिलन था, मगर जैसे जैसे ये आगे बढ़ता गया ये एक राजनीतिक मंच हो गया। पिछली जो चोट भारद्वाज जी ने खाई थी उसका एकदम ये कह सकते हैं कि वो नासूर बन के फूटा और आपने भी उसको हाथों हाथ ले लिया। ये कह सकते हैं कि भारद्वाज जी ने मौका देख के चौका मारा है। देखिए भारद्वाज जी ने एक बात कही जो जो है और वो बड़ी एक अच्छी भावना के साथ उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि अगर कोई विनम्रता से कौन से आग्रह करेगा साथ देने के लिए प्रदेश में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए, आज इस परिवेश प्रदेश में एक सकारात्मक बदलाव की आवश्यकता है, प्रदेश को अच्छे भविष्य की तरफ अच्छी दिशा में लेके जाने की आवश्यकता है जी। उसके लिए कोई इनसे अगर सकारात्मक आग्रह करेगा तो आपने कहा राजनीतिक जी, तो उसके बाद जब तो हमने जब आग्रह किया तो उन्होंने उस आग्रह को स्वीकार किया, तो सही बात है आपकी। एमपी साहब तो जो किसानों की आज हालात है मंडियों में जीरी 15-15 दिन पड़ी रहती है, मोस्टर की दिक्कत रहती है, उसके बाद शॉर्टेज जो आती है मिल में जाता है उसकी कटौती आती है, इसके बारे में देखो मॉइस्चर भी पड़ी हुई है, मॉइस्चर की वजह से भी पूरी MSP नहीं मिलने की बात है। और दूसरी बात जो बासमती है 11-21-1500 वो तो आज बासमती से भी नीचे बिक रहे हैं, जो कि हमारे समय 4000 रुपये भी पहुँचे थे। PR को ले रहे हैं वो भी जब इतना आंदोलन हुआ उसके बाद लेना शुरू किया जिसमें मॉइस्चर की कमियां निकाल कर, और बयान दे रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष इनके धनखड़ साहब कि भाई सरकार लंबे समय तक खरीद नहीं कर सकती। तो वही जो किसान जिस बात को आंदोलन कर रहे हैं जिस बात पे कि ये जो कानून आए हैं कृषि कानून, अभी आपने देखा यहीं से जो इनके विधायक हैं जोगीराम सिहाग जी, उन्होंने जो है उनका बयान देखो आप जी सर, तो इनके अंदर ही विरोध के स्वर इनके अंदर से ही आ रहे हैं। वहाँ तो अपना पंजाब के अंदर तो जो है अकाली दल हरसिमरत बादल तो उन्होंने तो समर्थन ही वापस ले लिया सुखबीर बादल ने जी। विरोध के स्वर इनके अंदर से ही आ रहे हैं क्योंकि लोग समझते हैं कि जब अगर खरीद नहीं होगी तो MSP डिक्लेयर करने का कोई फायदा नहीं होगा, आगे आने वाले समय में अगर खरीद कम होगी तो किसान पे बहुत बड़ी चोट, पहले ही किसान की दुर्दशा इसमें करी थी सरकार ने, अब तो किसान को बहुत बड़ी चोट मारने का की तरफ सरकार। बरवाड़ा के साथ लगता हल्का उकलाना है, कुछ गांव बरवाड़ा ब्लॉक के भी आते हैं, तो यहां से जो विधायक बने वो मंत्री चाहते थे JJP के मंत्री बना दिया गया, तो उकलाना में जब भी आते हैं तो पत्थर उद्घाटन के लिए सिर्फ आते। अब हमारे साथ हैं डॉक्टर हर्षमोहन भारद्वाज जी, और जो अभी जो प्रोग्राम मनाया गया था जैसे महर्षि दधीची परमार्थ ट्रस्ट द्वारा, थोड़ा इनकी फोटो ले लीजिए, तो इसी के बारे में पूछेंगे। हाँ जी नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार जी, आपका भी स्वागत है सर। ये जो प्रोग्राम का आयोजन किया गया महर्षि दधीची परमार्थ ट्रस्ट द्वारा आपकी अध्यक्षता में, तो इसके क्या मायने, जैसे बातों में आया स्टेज पर भी, मतलब यानी BJP छोड़ कांग्रेस को ज्वाइन करना चाहते हैं या मतलब क्या? ऐसे BJP में मैं था ही नहीं। अच्छा जी, BJP में तो मैं था ही नहीं, छोड़ने का कहाँ से विषय आ गया? नहीं आपने 13 अक्टूबर 2019 को मैं छोड़ चुका था, 20 तारीख का चुनाव था, छोड़ चुका था, एक साल हो चुका है। जैसे बताया आपने 25-26 साल ने सेवा की पार्टी की। नहीं मैं तो इस विचारधारा से जुड़े हुए तो मेरे को 45 साल हो गए। अच्छा जी, विचारधारा से तो पार्टी से तो मैं जुड़ा 3.5 महीने सिर्फ जी, 19 जुलाई 2019 से लेके 13 अक्टूबर 2019 तक जी। पार्टी BJP से, विचारधारा से मैं बहुत पुराना जुड़ा। तो इसके मतलब ये जो प्रोग्राम है इसके क्या मायने लगाए बड़ौदा से, मतलब कैसे? ऐसा है हम साल में सामाजिक समरसता के कार्यक्रम करते हैं जी, हर साल जी, जी। इस बार कोरोना आ गया जी, ठीक है ना, कोरोना काल के कारण कोई कार्यक्रम हो ही नहीं सकते थे जी, जी। और सामाजिक समरसता के अंदर हम विभिन्न दलों के, विभिन्न जातियों के, विभिन्न पंथों के, इस तरह के सामाजिक धार्मिक लोगों को बुलाकर यहाँ सम्मानित करते हैं। यानी कि ये मतलब प्रोग्राम है जो राजनीतिक प्रोग्राम नहीं था, ये प्रोग्राम राजनीतिक बिल्कुल था नहीं, था नहीं ये परंतु बाद... क्योंकि इसमें दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस पार्टी का सांसद है जी, और कुलदीप बंसी भी कांग्रेस पार्टी के सांसद है जी, तो कार्यक्रम में उनके समर्थक तो आते ही हैं जी, और मैं किसी पार्टी में हूँ नहीं, मैंने उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम किया था।
और उन्होंने भी आपको सम्मान दिया है, उन्होंने मेरे को सम्मान दिया है। और एक मेरी शर्त और थी, आपका स्वागत किया पार्टी में। हाँ जी, पार्टी में स्वागत तो मेरी पहले सुना ना, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मैंने ये निश्चय किया था कि अब मैं किसी पार्टी में घुसूंगा नहीं जी। और 10 मिनट पहले तक इस कार्यक्रम में मेरा यही था कि मैं एक सामाजिक आदमी हूँ। मैंने भाषण दिया, बार बार कहा, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा कोई विचार नहीं था। परंतु एक बात थी, इतने दिनों से मैं खाली बैठ के ये चिंतन कर लिया कि जो मैंने पहले गलती की, बिना उस पार्टी की इच्छा के उस पार्टी में घुस गया, तो आगे ये गलती नहीं करूँगा। हाँ, कोई प्रेम से मुझे बुलाएगा और मुझे लगा कि ये मेरे को प्रेम से बुला रहा है, मेरा यूज नहीं कर रहा, यूज एंड थ्रो नहीं कर रहा, परंतु निश्चल प्रेम से बुला रहा है, और मेरे को विश्वास हो जाएगा। आप बिना इच्छा बीजेपी में गए थे, काम तो आप बड़ी मतलब तहदिल से कर रहे थे। ये तो मेरा बिना इच्छा के भी आप ये मेरी मतलब आप कह दीजिए दोष कह लीजिए गुण कह लीजिए, मैं जहां से होता हूँ प्रतिबद्ध होता हूँ, और मैंने उसका पालन किया। मेरे साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार होने के बावजूद भी मैंने बीजेपी का विरोध नहीं किया। अब आप बड़ौदा जाओगे कांग्रेस? जाऊंगा, जाऊंगा प्रचार करने के लिए। अब तो मैं कांग्रेस में शामिल ही कर लिया अगले ने, आपके सामने ये स्पष्ट हो गया। डॉक्टर साहब ने खुद ने कह दिया कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं और उनके प्रचार प्रसार के लिए बड़ौदा जाएंगे। हाँ, जाऊंगा। तो आपने इतना समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कांग्रेस से खेलने की है, बैटिंग कांग्रेस में करोगे? ऐसा है, मैं दीपेंद्र हुड्डा के कारण उस जगह पर जुड़ा हूँ जी, और उसका आदेश है कि आप या उसकी रिक्वेस्ट लगा लो, कुछ भी लगा लो उसको जी। नेता हमारा तो आदेश भी मानेंगे, हमसे हमारे छोटा हो नेता ही हो गया जब वो हमारा एमपी है, तो उसके आदेशानुसार हमने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। फार्म नहीं भरा हमने, जिस तरह मिसकार करके हम जबान का फार्म हम कांग्रेस में मिल गए, क्यों जी, और ओपनली मिल गए, सबके सामने मिल गए। 10 मिनट पहले हमारा कोई प्रोग्राम था नहीं, अगले ने दिल से बुलाया, हम दिल से आगे जी। अगला दिल से नहीं बुलाता हम शामिल नहीं होते, मुझे नहीं लगता तो मैं कायदा नहीं, मैं इनकार कर दूंगा, मुझे नहीं लगा तो। धन्यवाद जी आपका बहुत। तो मैं डॉक्टर साहब ने स्पष्ट कह दिया कि कांग्रेस से मिल चुके हैं और अगली बार कांग्रेस से ही खेलेंगे। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर